के हजारों लाखों बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए खासकर इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए पिछले 4 दशक से दर दर भटकना पड़ता था। इसी को मद्देनजर रखते हुए श्री कृपाल सिंह जी एक समाज सेवक ने एक सुनहरे सपने की नींव रख सन 2002 में साकार किया। मैं हिमाचल के एक छोटे से प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिसमें कि मेरी काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से, जब छोटे होते ही मेरे को थोड़ा सा एक शौक़ था कि मैं एक ऐसा संस्थान जिसमें अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिले, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग में बच्चे, हमारे हिमाचल के जितने भी बच्चे हैं, वो मैक्सिमम बच्चे बाहर जैसे साउथ में और बहुत दूर दूर इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए जाते थे, जिससे बच्चों को तो परेशानी होती थी, साथ के उसके माता पिता को भी काफ़ी परेशानी होती थी, उनकी देखरेख में उनके अभाव काफ़ी उसमें आता था। तो ये मेरा एक सपना था, जिसको कि मैंने सोच के, मैं जब भी इसके लायक हुआ तो मैंने सोचा इसको, अपने इस संस्थान को आगे बढ़ाऊं, ताकि मेरे हिमाचल के बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। और मेरी कोशिश है अच्छे से अच्छे हमारे पास फैकल्टी हो, जिससे हमारे बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट जहां भी बन रही है, उनको अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट मिले। यही एक मेरा सपना था, जिसको लेकर मैंने इसका काम शुरू किया था। हिमाचल की हरी हरी वादियों में होने के कारण इस कॉलेज का नाम रखा गया ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज। गांधीग्राम के पास बसा ये कॉलेज कुमारहट्टी से 9 किलोमीटर और जिला सोलन से 22 किलोमीटर दूर है। ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज 151 बीके जमीन पर फैला हुआ है। इस कॉलेज में सारी संपूर्ण सुविधाएं हैं। ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज कुमारहट्टी एक निजी गैर सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान है, जिसे ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग सोसाइटी ने स्थापित किया। यह कॉलेज अखिल भारतीय परिषद AICTE द्वारा 2003 में प्रमाणित किया गया तथा इसे 4 साल की इंजीनियरिंग विषय के लिए मान्यता प्राप्त हुई। यह कॉलेज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है और हिमाचल का एकमात्र कॉलेज है जिसे कि ISO की मान्यता प्राप्त है। कंप्यूटर विभाग इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी यांक को कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से अवगत कराया जाता है। कॉलेज में 8 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 300 कंप्यूटर हैं। ये सभी प्रयोगशालाएं इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, जो कि हर वक्त कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन विभाग इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न उपकरणों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस विभाग में 7 प्रयोगशालाएं हैं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SS सेन, जो इस कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सेक्रेटरी भी हैं, एक बहुत ही तजुर्बेदार है। ग्रीन हिल इंजीनियरिंग कॉलेज 2003 में स्टार्ट हुआ था। इसमें 4 कोर्सेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 4 कोर्सेज इस वक्त चल रहे हैं। इस वक्त 2006-07 में लगभग 770 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और
हमारा जो फर्स्ट बैच इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलेगा वो 2007-08 में निकलेगा, परंतु हमारी कोशिश यही है कि हमारे बच्चों की प्लेसमेंट इसी वर्ष 2006-07 में हो जाए। उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी बाहर की इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ जो मल्टीनेशनल भी हैं वो यहाँ पे आ रही हैं और हमारे बच्चों को सिलेक्ट करके अपने इसमें रिकॉर्ड में ले रही हैं। कॉलेज में इस वक्त सभी डिपार्टमेंट फुल्ली इक्विप्ड हैं, लेबोरेटरी वाइज एंड इक्विपमेंट वाइज। इंटरनेट सर्विस हमारी डे एंड नाइट है, बच्चों को पूरी इंटरनेट जो लैब्स हैं हमारी वो रात को भी खुली रहती हैं 12 बजे तक। लाइब्रेरी हमारी काफ़ी अच्छी है जिसमें कि लेटेस्ट ऑल एडिशंस बुक्स के हैं और लगभग 76 जर्नल जो हैं इस वक्त हमारी लाइब्रेरी में हैं, उसमें मैक्सिमम जो है इंटरनेशनल जर्नल्स हैं। कैंपस में डिसिप्लिन की झलक कर्नल J.S. पलागन की बदौलत है, क्योंकि यह कॉलेज के रजिस्ट्रार हैं और एक बहुत ही कुशल प्रशासक एवं हार्ड टास्क मास्टर गिने जाते हैं। इस कॉलेज में लगभग 60 लोग हैं जो टीचिंग फैकल्टी के सदस्य हैं, जो बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाते हैं तथा नई नई जानकारियों से अवगत कराते हैं। हम करण सेठ, हमें नाहन से हूँ और मैं थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक